गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू कल हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था चैप्टर एट वाइल उसमें से काफ़ी सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ लिए थे आज जो है उसको आगे बढ़ाना है यानी आगे हमें पढ़ना है यानी जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था कुछ एक्टिविटी था जिसको आप लोग को करके देखना है आप लोग कर सकते हैं बहुत इजी एक्टिविटी है जिसमें से करना क्या है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं लेटेस्ट परफॉर्म एन एक्टिविटी टू एग्ज़ामिन दैट्स वैल कंटेन्स एन कंटेंस एयर जैसे कि मिट्टी के अंदर हवा जो है प्रेजेंट होता है या नहीं इसकी जांच हम लोग करेंगे तो हमारा एम यही है कि हम लोग जो है कंटेनर में मिट्टी डाल करके जो है हवा का जांच कैसे करेंगे उसके लिए देखिए व्हाट यू नीड यानी उसके लिए आपको क्या चीज़ की आवश्यकता होगी एक जार यानी शीशे का एक बर्तन आप अपने बुक में देख सकते हैं पिक्चर में यानी इसमें दिखाया गया है शीशे का एक जार क्योंकि बबल्स आपको तभी दिखाई देंगे उसमें तो एक जार ले लेना है उसके बाद समयल्स एंड वाटर उस कुछ मिट्टी और कुछ पानी अब थर्ड इसमें करना क्या है हम लोग देख लेते हैं पुट सॉइल इन अ कंटेनर उस कंटेनर में उस जार में हम लोग को क्या करना है मिट्टी डाल देना है एंड स्लोली ऐड वाटर और धीरे धीरे उसमें पानी डालना है एकदम से एक बार नहीं धीरे धीरे ऑब्जर्व द एयर बबल्स दैट राइज थ्रू द वाटर फ्रॉम सॉइल बबल्स प्रूव दैट प्रेजेंस ऑफ एयर इन सॉइल तो क्या होगा धीरे धीरे जैसे आप वाटर डालिएगा तो उसमें से जो है बबल्स निकलेंगे जिस इससे ये साबित होता है कि मिट्टी के अंदर जो है वायु प्रेजेंट होता है उपस्थित होता है नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ सॉइल टाइप्स ऑफ सॉइल हम लोग देखेंगे देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ सॉइल सैंडी क्लेई एंड लोमी सॉइल सॉइल जो है वो तीन प्रकार के होते हैं सैंडी क्लेई एंड लोमी सॉइल तो सैंडी सॉइल हम लोग पहले जानते हैं कि सैंडी सोइल होता क्या है सैंडी सॉइल मोस्टली कंटेन्स सैंड पार्टिकल्स सैंडी सॉइल में जो है मोस्टली आप लोग देखेंगे उसमें जो है सैंड के पार्टिकल्स होते हैं कन होते हैं बालू के छोटे छोटे कन होते हैं इट इज़ फाउंड इन डिजर्ट एरिया एंड ऑन द सी शोर्स आपको ये जो है मिलेगा डिजर्ट एरिया में रेगिस्तानी इलाका में या फिर नदी के किनारों पे. सैंडी सोइल इज वेरी फाइन एंड लूज सैंडी सोइल काफ़ी फाइन होता है और लूज भी होता है जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँगी पहले इसको पढ़ लेते हैं इट कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ एयर स्पेस इसके अंदर काफ़ी जो है एयर स्पेस होता है दस कैन नॉट होल्ड वाटर इन इट जिसके कारण जो है ये वाटर को होल्ड करके नहीं रखता है द सैंडी सॉइल इज ग्रे इन कलर और सैंडी सॉइल का जो है कलर ग्रे होता है जैसे कि देखिए कुछ आप लोग मिट्टी ऐसा देखे होंगे जिसमें बालू मिक्स होता है तो उस मिट्टी को आप हाथ में अगर एक मुट्ठी पकड़ते हो तो क्या होगा वो धीरे धीरे आपका हाथ जो है फिसलेगा और आपके अंदर हाथ के उस मुट्ठी से अंदर से क्या होगा वो मिट्टी जो है धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप उसमें वाटर डालते हैं तो वो भी उसमें टिक नहीं पाएगा वाटर जो है उस एरिए में फैल जाएगा जहाँ पे आप वो मिट्टी डाले हैं सैंडिस ऑयल और वाटर क्या होगा उसके आसपास फैल जाएगा और वो आपको थोड़ा सा सूखा हुआ नज़र आएगा यानी आप ये एक्टिविटी बालू और मिट्टी को मिला करके कर सकते हो सेंडिस ऑयल है ये तो इसमें क्या होता है कि जो है हवा काफ़ी होता है पानी कम होता है और ये फिसलता बहुत है क्योंकि आप एक मुट्ठी अगर बालू वाला मिट्टी हाथ में लेकर के देखें तो आप देखेंगे कि आपका जो है हाथ फिसल रहा है या फिर एग्जांपल के लिए आप बालू ही हाथ में लेकर के देख सकते हैं तो आप देखेंगे कि क्या होगा कि आपके हाथों में बालू टिक नहीं पाएगा वो गिरने लगता है तो ये थे आपके सैंडी ऑयल नेक्स्ट है हमारा क्ले सॉइल क्ले सोइल मेनली कंटेन्स क्ले इसमें मेनली जो है क्ले होता है दोइल पार्टिकल्स वेरी फाइन एंड स्टिक टुगेदर और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इसके जो कण होते हैं मिट्टी के वो काफ़ी एक दूसरे से क्या होते हैं चिपके होते हैं क्ले सोयल कैन होल्ड लॉट ऑफ वाटर एंड हैज़ वेरी लेस एयर क्ले सोइल में क्या होता है बहुत सारा वाटर होता है और बहुत कम पानी होता है clay is mostly used for making pots and toys color of this soil is brown इसका उपयोग जो है मोस्टली किस चीज़ में होता है बर्तन बनाने में खिलौना बनाने में और बाजार में जो आप लोग कुछ स्टैचू मूर्तियाँ देखते हैं बनाते हुए बने हुए वो हो गए तो उसी मिट्टी से बनता है ये क्लेई सॉइल से बनता है इसका कलर जो है वो ब्राउन होता है तो ये आपका अभी फिनिश हुआ क्लेई सॉइल नेक्स्ट है हमारा लोमी स्वाइल वन मिनट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोमी सॉयल लोमी सॉइल कंसिस्ट ऑफ बोथ सैंड एंड क्ले लोमी सॉयल में जो है दोनों चीज़ मिला होता है सैंड और क्ले दैट इज़ वाई इट कैन होल्ड वाटर एंड एयर इसके कारण क्या होता है ये वाटर को होल्ड करके रखता है इसके अंदर वाटर भी होता है एयर भी होता है इट इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट सॉयल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स ये प्लांट्स के ग्रोथ के लिए काफ़ी जो है अच्छा सॉइल होता है यानी खेती करने के लिए जो है ये लोमी सॉयल जो है काफ़ी अच्छा होता है बेस्ट सॉयल होता है इट कंटेन्स लॉट ऑफ ह्यूमस और इसका एक भी कारण ये है कि खेती करने के लिए अच्छा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है ह्यूमस आप लोग कल जाने ही थे सरे गले पदार्थ से जो मिट्टी बनता है यानी जो मिट्टी में सड़े गले पदार्थ मिल जाते हैं तो उससे क्या होता है ह्यूमस तैयार होता है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गार्डन सॉइल और इस सॉयल को लोमी सोयल को हम लोग गार्डन सोइल भी कहते हैं यानी गार्डन सोइल के नाम से भी जानते हैं तो अभी तक आप लोगों ने देखा थ्री टाइप्स ऑफ सॉयल जिसमें आप लोग देखे सैंडी सॉइल क्लेई सॉयल लोमी सोयल अगर इस तीनों सवाल में इस तीनों टॉपिक में आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स लग रहा है जितना आपके बुक में दिया गया है उसके एक्सप्लेनेशन में आपको लग रहा है कि कोई लाइन नहीं समझे फिर से समझना चाहिए तो आप जो है आसानी से मैसेज करके पूछ सकते हैं मैसेज कर सकते हैं उस टॉपिक को क्या करेंगे कल होकर फिर से आप लोग को समझा देंगे कोशिश करेंगे और अच्छा से हो पाया तो जितना अच्छा हो सके समझाने की कोशिश करेंगे वैसे ये काफ़ी अच्छा है जितना आप लोग पढ़े हैं चलिए टेस्ट योर नॉलेज देखते हैं अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा इसका आंसर्स आप लोग अपने मन में भी सोचिएगा या फिर अगर इस वीडियो को जिस टाइम देख रहे हैं उस टाइम देखिएगा कि आपको कितना आया तो पेज नंबर है आपका सेवेंटी थ्री बुक है तो आप लोग ओपन कर सकते हैं तो इसमें ट्रू और फॉल्स भरना है फाइव क्वेश्चनस दिए गए हैं टेस्ट योर नॉलेज तो फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स अ फ्यू ईयर्स यानी कुछ दिनों पहले सॉयल का फॉर्मेशन हुआ है निर्माण हाँ कि ना तो so, ये होगा नहीं क्योंकि बहुत सालों पहले इसका निर्माण हुआ था तो so, यहाँ पे होगा फॉल्स तो एफ आप लोग भर सकते हैं फर्स्ट में सेकेंड नंबर है द सॉयल इज मेनली मेड अप ऑफ रॉक्स ये ट्रू होगा थर्ड नंबर द रूट ऑफ द प्लांट आर फाउंड इन बी हॉरिजोन तो ए हॉरिज़ोन में रूट जो है आप लोग को देखने को मिल जाता है बी हॉरिज़ोन में नहीं मिलता है क्योंकि ये ऊपर वाले परत में ही इसका जड़ मिल जाता है तो इसीलिए ये भी फॉल्स होगा फोर्थ नंबर है सैंडी सोइल कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर सैंडी सोइल क्या बहुत सारे वाटर को होल्ड करके रखता है नो no. यहाँ पे होगा फॉल्स और फिफ्थ नंबर है लोमी सोयल कंटेंस लॉट ऑफ ह्यूमस तो ये होगा ट्रू इसके अंदर काफ़ी सारे जो है वो ह्यूमस पाए जाते हैं तो ट्रू फॉल्स हम लोग बोर्ड पे हम मैं लिख देती हूँ टी एफ टी या ट्रू फॉल्स और क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे क्वेश्चन आपके बुक में होगा तो ट्रू फॉल्स आपके बोर्ड पे लिख देते हैं यहाँ पे आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग बना लीजिएगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे का टॉपिक है हमारा सॉइल एंड क्रॉप्स इसके बारे में जानेंगे क्रॉप्स आर ग्रोन एकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ सॉइल क्रॉप्स जो है जितने भी क्रॉप्स है वो सॉइल के अनुसार उगाए जाते हैं सोइल्स डिफर इन देयर मिनरल्स कंटेंस सॉइल के अंदर जो है अलग अलग प्रकार के खनिज पदार्थ या मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ मिनरल्स वे वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप यानी इसका जो है मिनरल्स का जो रिक्वायरमेंट है आवश्यकता है कि जैसे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें जो है वो बदलते रहता है प्लांट्स एब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्राम द सॉइल थ्रो द रूट्स प्लांट जो है वो ऑब्ज़र्व करता है क्या वाटर मिनरल्स जो है ये सारे चीज़ जो है प्लांट्स जो है ऑब्ज़र्व करता है रूट के द्वारा मिट्टी से यानी जड़ से जड़ के द्वारा मिट्टी से क्या मिनरल्स और वाटर जो है क्या करता है पेड़ पौधा उसे ऑब्ज़र्व करता है द ग्रोथ ऑफ़ क्रॉप्स ऑल्सो डिपेंड ऑन वाटर एंड एयर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉयल किसी भी प्लांट का ग्रोथ जो है डिपेंड करता है निर्भर करता है कि उस मिट्टी के अंदर वाटर और एयर को अ, होल्ड करके होल्ड करने का कैपेसिटी कितना है यानी उसको उसके अंदर कितना क्षमता है उसके अंदर कितना पानी होगा कितना हवा होगा तो इस पर डिपेंड करता है फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ़ द वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन लोमी सॉइल जिसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है कि बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो कि लोमी सॉइल में उगाए जाते हैं वेयर एज राइस इज़ ग्रोन इज इन क्लेई सॉइल और वहीं पे हम लोग देखते हैं कि धान की खेती जो होती होती है चावल की खेती तो आप सभी देखते हैं कि वो किस सॉइल में होता है वो क्लेई सॉइल में उगाया जाता है जैसे कीचड़ आप देखते हैं पूरा कीचड़ रहता है क्लेई सॉइल तो उसमें जो है धान की खेती होती है जिससे हम लोग चावल प्राप्त करते हैं और बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स है यानी बहुत सारे क्या अधिकतर जो भी अनाज है वो जो है आपका आ, कौन सा ये सॉइल था आ, लोमी सॉइल में आपका जो है वो तैयार होता है तो देखिए यहाँ पे मेनली इस बात को बताया गया है कि सॉइल और क्रॉप्स टॉपिक है आपका क्योंकि जितने भी क्रॉप्स है उसके लिए अलग अलग वराइटीज़ के अलग अलग प्रकार के सॉयल की आवश्यकता होती है मिट्टी की आवश्यकता होती है तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको बताया गया कि जैसे वेजिटेबल्स और ये सब चीज़ जो है तो ये सब चीज़ जो है लोमी सॉइल में काफ़ी आसानी से उगाए जाते हैं यानी हर चीज़ का उपज जो है प्रत्येक मिट्टी पे निर्भर करता है अब यहीं पे एक एग्जाम्पल और भी बताया गया कि जैसे राइस की जो खेती होती है चावल की खेती धान की खेती तो ये जो है क्लेई सॉयल में किया जाता है तो यहाँ पर ये बताया गया नेक्स्ट टॉपिक है यूजेज ऑफ सॉयल मिट्टी के उपयोग सोयल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके लिए जो सॉइल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है सॉइल इज यूज इन मेनी वेज सॉइल का उपयोग देखिए मेनी वेज क्या है सोइल हेल्प्स टू होल्ड द प्लांट अप राइट सोइल जो है वो पेड़ पौधों को सहारा देता है खड़ा रहने में सीधा स्ट्रेट रहने में सोचिए अगर मिट्टी ना हो तो पौधा लगाना तो असंभव होगा खराब ही नहीं हो पाएगा वो प्लांट्स गेट वाटर एंड इसेंशियल मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल प्लांट जो है वो वाटर लेता है और मिट्टी से प्लांट जो है मिट्टी से वाटर लेता है और जो भी उसके आवश्यकता के अनुसार जो चीज़ उसे चाहिए मिट्टी के अंदर से वो रूट के द्वारा प्राप्त करता है प्लांट्स soil प्रोवाइड्स होम to मैनी स्मॉल एनिमल्स सच as earthworms. बॉम्स जैसे देखिए बहुत सारे जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं उनका घर होता है सोयल वो मिट्टी के अंदर ही रहते हैं एग्जाम्पल के लिए अर्थ बॉम्स दिया गया यानी केचुआ अभी आप सब देखते होंगे केचुआ अपने आंगन में अगर मिट्टी का आंगन होगा तो वो भी देखते होंगे बाहर कि बारिश के बाद वो जरूर निकलता है तो आप लोग उस केचुओ के चूहे को देखे होंगे देखते होंगे तो उसको हम लोग अर्थ फॉम्स कहते हैं तो ये उसका घर होता है बेसिकली और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं जिसका ये स्थान होता है रहने का स्थान घर होता है सोइल क्लेई सॉइल इज़ यूज टू मेक पॉट एंड अदर आर्टिकल्स सोयल का यानी क्ले सॉइल इज़ यूज टू क्ले सोयल यानी को सोइल जो है इसका उपयोग हम लोग बहुत सारे पॉट्स बनाने में करते हैं बर्तन जो मिट्टी का बर्तन होता है घरा देखे होंगे और भी बहुत सारे चीज़ देखे होंगे इसका उपयोग क्ले सोयल का उपयोग हम लोग बर्तन बनाने में बहुत सारे स्टैचू बनाने में बहुत जितने भी आर्टिकल्स है उसको बनाने में इसका उपयोग हम लोग करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखें यूजेज ऑफ सॉयल यानि सोइल का उपयोग तो यहीं पे हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश होता है और इसके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा और बोर्ड पे जो है वो कल से आपको उन लोग को बताया जाएगा तो चलिए पेज नंबर आगे सेवेंटी फोर ओपन कीजिए समय हमारा हो चुका है फिर भी हम लोग आज जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन को समझ लेते हैं आप लोग अच्छे से उसको टिक कर लीजिएगा कल इसको बताया जाएगा तो मैच कर लीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क ब्राउन कलर ऑफ द सॉइल ऑप्शन है आपके ह्यूमस सैंड एयर वाटर तो क्या होना चाहिए एग्जाम्पल में डार्क ब्राउन कलर कलर का होगा एयर का होगा वाटर का होगा या हुमस का होगा चलिए आज रहने देते हैं आंसर्स को कल आंसर्स हम लोग देखेंगे आज हम लोग क्वेश्चनस करते हैं कि आप लोग अगर आप लोग को आता है तो ये तरीका अच्छा होगा कि जैसे पहला क्वेश्चन अभी रीड किए ऑप्शंस दिए तो यदि आप लोग क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम आप मैसेज कीजिएगा कि इसका ऑप्शन ये होगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं देखूं कि किस किस बच्चे ने क्लास किया किसको सही आंसर पता है और बिना किसी के हेल्प के आप लोग बताइएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर भी ए बी सी डी करके आप लोग भेज सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रजेंट इन द ह्यूमस ऑप्शन है रॉक्स ग्रेवल प्लांट्स एंड एनिमल्स एयर तो ये क्या चीज़ का जो मतलब सरे गले पदार्थ का ये बनता है तो रॉक्स हो गया ग्रेवल हो गया प्लांट एंड एनिमल्स हो गया एयर हो गया तो इसको भी आप लोग कल मैसेज कीजिएगा विच ऑफ़ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज़ यूज टू मेक पॉट्स एंड ट्वाइज तो आज क्वेश्चन समझ लीजिए आंसर्स को आप लोग भेज दीजिएगा तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज़ यूज फॉर मेकिंग पॉट्स एंड ट्वाइज यानी बर्तन को बनाने के लिए खिलौनों को बना बनाने के लिए हम लोग कौन सा सॉयल का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर है विच ऑफ दीज हॉरीजोन्स कंटेन्स स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स एंड क्रैप्स सॉरी गैप्स तो इसका ऑप्शन आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक लेयर ए हॉरिजोन बी हॉरिजोन सी हॉरीजोन किसमें किस लेयर में गैप होता है मिट्टी के तीन लेयर आप लोग देखे थे ए हॉरिजोन बी हॉरिजोन सी हॉरिजोन तो किस में गैप होता है और क्रैक होता है तो इसमें आपको ऑप्शन सही ऑप्शन चुनना है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ सॉइल इज मेड अप ऑफ स्वाइल रॉक बेड रॉक सब सॉइल टॉप स्वाइल ऑर्गेनिक्स लेयर तो इस सारे क्वेश्चन पाँच क्वेश्चन के आंसर आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा आप लोग जहाँ पे जैसे नाम लिख के भेजते हैं उसके अकॉर्डिंग ये जितने भी क्वेश्चन हैं वन का मान लीजिए ए हुआ बी का सी हुआ थ्री का मान लीजिए ये हो गया बी हो गया तो इस टाइप से वन ए टू सी थ्री ए फोर डी इस तरह से आप लोग जो है आंसर्स को भेज दीजिएगा ओके okay? तो आज के लिए इतना ही इस क्वेश्चन के आंसर को बनाने के लिए कल आप लोग रेडी रखिएगा अपने बुक नोटबुक को और क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लीजिएगा तो आज के लिए इतना ही इसको बना करके देखते हैं कितने बच्चे भेजते हैं या नहीं भेजते हैं भेजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा ओके थैंक यू